भाई ये क्या हो गया, ये हमने क्या देख लिया, ये चमत्कार कैसे हो सकता है, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। अनुज रावत भाई हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें आपकी शक्तियों के बारे में पता ही नहीं था, आप तो भगवान निकले यार। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। उड़ उड़ के कैच पकड़ रहे हैं, धोनी भाई की तरह स्टंपिंग कर रहे हैं और छक्के मार रहे हैं लास्ट ओवर में, कमाल ही हो गया। अभी तक तो मैं सदमे में हूँ, ये मैंने क्या देख लिया। अनुज रावत ने इस मैच में अपनी पूरी स्किल्स दिखा दी, अब तो आरसीबी चाहकर भी 50-60 साल तक इन्हें रिलीज कर ही नहीं सकती। मैं सचमुच चला जाऊंगा, चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। इस दुनिया में आप मुश्किल से मुश्किल पहेली सुलझा सकते हो, मैथ्स के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, केमिस्ट्री के थ्योरम याद कर सकते हो, बॉलीवुड मूवीज में लॉजिक ढूंढ सकते हो, लेकिन आरसीबी कब कैसा खेलेगी ना, इसका आइडिया भगवान भी नहीं लगा सकते। भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे, मुझे माफ कर दो, मेरे बस की नहीं है। मैच शुरू होने से पहले सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे आरआर फेवरेट है राजस्थान, ये मैच तो बड़े आसानी से जीत जाएगी, आरसीबी के बस की नहीं है। लेकिन रिजल्ट आया एकदम उल्टा, आरआर 59 पे ऑल आउट। भाई ये क्या गजब हो गया, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आरसीबी का 49 वाला रिकॉर्ड इतना सा रह गया भाई, वरना टूट जाता, पर क्या करे, आरसीबी की किस्मत ही टट्टी है, हेडमैन ने 3 छक्के मार दिए भाई, वरना आरसीबी फैंस आज तो पागल ही हो जाते भाई, पार्टी हो जाती, आईपीएल ट्रॉफी गई भाड़ में, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। बेचारा मैक्सवेल भी सोच रहा होगा ये मैं कहाँ फंस गया, बाकी टीम में जब रहता था कोई टेंशन ही नहीं रहती थी, रन बने ना बने अगले साल ऑक्शन में आना है, फिर 10-12 करोड़ मिल जाएंगे। लेकिन जब से आरसीबी में आया हूँ ना, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है एकदम, इतना सीरियस हो गया हूँ ना भाई, मुझे तो लग रहा है कहीं मैं डॉन ब्रैडमैन ना बन जाऊँ। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। भाई ये हो क्या रहा है इस आईपीएल में, इस बार कोई क्वालिफाई करना चाहता है या नहीं चाहता, जब लगता है ना कि चलो भाई ये टीम तो अब क्वालिफाई कर जाएगी, वो टीम अगला मैच हार जाती है और ऐसा हारती है लगता है सबसे पहले इन्हें ही बाहर निकालो। चेन्नई चेन्नई में हार रही है, राजस्थान राजस्थान में हार रही है, हैदराबाद हैदराबाद तो हर जगह ही हार रही है। अरे चाहते क्या हो भाई, लीग स्टेज के खत्म होते होते ट्रॉफी के 9 टुकड़े कर दे क्या, वैसे इसी तरह से आरसीबी ट्रॉफी जीत सकती है। अब आरसीबी इतना खतरनाक मैच जीती हो और मीम्स ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलते हैं ना सीधा मीम्स रिव्यू की तरफ। आरसीबी हम जिस टाइप के टीम है ना लाला, हमको खुद नहीं पता हम कब क्या कर दे। डुप्लेसी मैक्सवेल आरसीबी का बोझ उठाते हुए, अरे भाई भरोसा रख, बस डॉट बॉल खेलूंगा, चौके छक्के मारने मुझे नहीं आते। इफ समवन आस्क यू व्हाट लॉयल्टी इज, शो देम दिस पिक्चर, यू सी चहल एंड देवदत्त पाडिकल। आज भी आरसीबी के लिए खेलना नहीं भूले, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, प्रो कम जस्ट टू सेव 49 ऑल आउट रिकॉर्ड, एक ही मकसद था हमारा 49 रिकॉर्ड बचाना। अगर हेडमेयर वो 3 छक्के नहीं मारता तो आज हमारा 49 का रिकॉर्ड टूट जाता। भाई ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकता, लिख के ले लो। मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर ऑल द ट्रोलर्स, सिराज पॉर्नेल अबे एल पे रखते हैं आरआर के ओपनर्स को, दोनों का डक बना दिया। हे आई हैव सीन दिस वन। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।